सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल करने पर आरोपियों को अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार यानी 6 फरवरी को इन पर रोक लगाने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पास कर दिया। अब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। ये बिल कानून बनता है तो पुलिस को बिना किसी वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी और इन अपराधों को समझौते से नहीं सुलझाया जा सकेगा। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उन छात्रों को टारगेट नहीं किया जाएगा जो जानबूझकर इसमें शामिल नहीं होते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि पब्लिक एग्जामिनेशन बिल में क्वेश्चन और आंसर शीट के लीक होने या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कैंडिडेट का सहयोग करने जैसे अपराध शामिल किए गए हैं। इसके अलावा चीटिंग और गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए फेक वेबसाइट बनाने, फर्जी एग्जाम्स कराने के लिए नकली एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने जैसे गैरकानूनी काम को भी इस बिल में शामिल किया गया है। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। स्पीकर सर, आई राइज प्रश्न पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस 2024 बिल बी पास्ड। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ।